बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के मसाइल। आज का मसला है कुर्बानी के जानवर के वो अयूब जिनकी वजह से जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। कुर्बानी अच्छे से अच्छी जानवर की देनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने जो बकरा या दुम्बा ज़िबा किया, अमलहैनी अकरनैनी, वो खूब फरबा था, गोश वाला और बेहतरीन जानवर जो है उसकी कुर्बानी दी, और कुर्बानी करने वाला खुशदिली के साथ अच्छी नीयत के साथ कुर्बानी करे। फ़तीबू बिहा नफ्सा, हदीस में आता है खुशदिली के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी किया करो। लिहाजा अगर कुर्बानी में ऐब हो जानवर में, तब भी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, और कुर्बानी करने वाले की नीयत में ऐब हो तब भी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। रिया ना हो, दिखलावा ना हो, और कोई उसमें वो कमज़ोरी ना हो, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए बेहतरीन अच्छे से अच्छे जानवर की कुर्बानी करें। हदीस में चंद अयूब का ज़िक्र है कि अगर जानवर में ये अयूब पाए जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। वो अयूब कौन कौन से हैं? नंबर एक, कुर्बानी के जानवर का लंगड़ापन। अगर कोई जानवर ऐसा है कि वो लंगड़ा के चलता है, तो अगर उसके चलने की कैफियत ये है कि वो तीन पांव तो ठीक है लेकिन चौथा पांव जिसमें लंगड़ापन है, चलते हुए उसको ज़मीन पर लगा के चलता है, उसका सहारा लेता है, तो इतनी इस सूरत में इतना लंगड़ापन कबूल है और इसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर वो पैर बिल्कुल शल हो चुका है, माजूर हो चुका है और वो सिरे से ज़मीन पे लगा ही नहीं सकता उसको, तो ऐसी सूरत में इस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। दूसरा ऐब, कुर्बानी के जानवर की दुम या कान के अंदर ऐब होना। अगर किसी जानवर के पैदाइशी कान है ही नहीं सिरे से, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर किसी जानवर का कान या दुम कटे हुए हैं, तो देखना चाहिए कि अगर वो एक तिहाई कट चुके हैं, यानी उसके तीन हिस्से बनाए जाए और एक हिस्से के बराबर वो कट चुका है, कान हो या दुम हो, तो या उससे ज़्यादा कटा हो, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ थोड़ी सी उसमें कटिंग आ गई है और वो एक तिहाई से भी कम है, तो ऐसी सूरत में जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, फिर जायज़ है। नंबर तीन, कुर्बानी के जानवर के दांत देखना। अगर कोई जानवर ऐसा है कि जिसके तकरीबन तमाम के तमाम दांत टूट चुके हैं या अक्सर दांत उसके टूट चुके हैं और वो चारा भी नहीं खा सकता, सिर्फ़ उसको लिक्विड ग़िज़ा दी जा रही है, तो ऐसी सूरत में ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ थोड़े बहुत दांत टूटे हुए लेकिन वो चारा चबा सकता है और खा सकता है, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ है। नंबर चार, कुर्बानी के जानवर के सींग के अंदर ऐब होना। जानवर अक्सर सींग वाले होते हैं, बैल है या बकरा वगैरह है। अगर किसी जानवर का सींग जड़ से उखड़ा हुआ है, ऐसा टूट गया कि वो जड़ से उखड़ गया, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है कि किसी जानवर के लंबे सींग हैं लेकिन जड़ से तो नहीं उखड़ा लेकिन ऊपर का खोल टूट चुका है, तो ऐसी सूरत में ये ऐब नहीं कहलाएगा और ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर पाँच, कुर्बानी के जानवर की आँखों के अंदर अंधापन होना। अगर कोई जानवर मुकम्मल अंधा है, वो चलता है दीवार से टकरा जाता है, उसे दिखाई नहीं देता, गिर जाता है, या कोई जानवर ऐसा है कि वो उसमें ऐसा कानापन है कि उसे दिखाई नहीं देता, यानी एक तरफ से चारा पकड़ते हैं तो उसको अंदाज़ा ही नहीं होता, तो ऐसी सूरत में ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई जानवर भींगा है लेकिन उसे दिखाई देता है, वो चारा अपने लिए खुद खाता है, पानी पी लेता है, देख लेता है, तो ऐसी सूरत में इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। नंबर छः, इंतहाई कमज़ोर जानवर। अगर कोई जानवर ऐसा है जो बिल्कुल लाहर हो चुका है, मरियल हो चुका है, थोड़ा सा चलाते हैं वो गिर पड़ता है, बैठ जाता है, चल नहीं सकता,
उसकी हड्डियों में गूदा नहीं है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। जानवर इतना सेहतमंद होना चाहिए कि वो चल फिर सके अपने लिए, और ऐसा लागर ना हो कि वो सिर्फ पड़ा हुआ है और खड़ा ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता, और उसकी सिवाय हड्डियां ही हैं और उसमें भी गूदा नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये छः अयूब जो जिक्र हो गए अहादीस में, इनका जिक्र मिलता है कि अगर जानवर में यह अयूब पाए जाए तो ऐसी सूरत में इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अलबत्ता इतना याद रहे कि अगर किसी जानवर के अंदर यह ऐब नहीं है लेकिन जब उसको ज़िबा करने के लिए गिराया गया तो ऐसी सूरत में उसमें कोई ऐब आ गया, मिसाल के तौर पर जानवर को गिरा रहे थे ज़िबा करने के लिए, उसकी टांग टूट गई या उसका सींग उखड़ गया या उसके दांत टूट में कुछ हो गए, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ है। गिराते वक्त जो ऐब आएगा उसका एतबार नहीं है, पहले से अगर ये अयूब मौजूद होंगे तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।